हम नाम समय प्रिया, मैं हूं मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल प्रोसेस रिएक्शन में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं बघीरा मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे। और इस मूवी में है श्री मुरली, उनके साथ है रुक्मिणी और इसे डायरेक्ट किया है डॉक्टर सूरी ने। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले हमें ट्रेलर देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अम्मा ದೇವ್ರ ಯಾಕಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾಕಮ್ಮ ಬರಲ್ಲ? ದೇವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳು ಮಿತಿ ಮೀರಿದಾಗ, ಒಳ್ಳೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆವಿಯಾದಾಗ, ಸಮಾಜ ಕುಲ್ಗೆಟ್ಟಾಗ, ಮನುಷ್ಯರು ಮೃಗಗಳಾದಾಗ, ಅವನು ಅವತಾರ ಎತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವರಾಗೇ ಬರಲ್ಲ, ರಾಕ್ಷಸನಾಗೂ ಬರಬಹುದು. ಯಾರು ಈ ನರಹಂತಕ ಹಗೀರ? ಇಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿ ಸಾಯಿಸಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ಯಾರೋ ರಕ್ತ ಕುಡಿಯೋ ರಾಕ್ಷಸನೇ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಇಷ್ಟು ಮೆರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ವೇದಾಂತ್ ನೀವಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಹೀರೋನೇ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಹೀರೋನೇ ಕಣ. ಸರ್, ಬಗೀರ ಸಾಯಿಸ್ತಿರೋದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಸರ್, ನಮ್ ಕೆಲಸ ಅವನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. Because I want him dead or alive at any cost. How next are you, Bako? Save yadar gale ninti da. Bhaya telva. Kannadiyal nannanna nodkondrene bhaya padala. ಜನರನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಕಾಕಿನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಕಾಪಾಡೋ ಮನ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. गाइस, ये था बघीरा का ऑफिशियल ट्रेलर। और लिटरली जब से इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था, मतलब हुआ था, तब से इसकी जो हाइप है वो बनी हुई थी। और मतलब जितनी भी स्टार कास्ट देख लीजिए आप, वो इतनी ज्यादा कमाल की। और जब भी मैं इस स्टार कास्ट को देखता हूँ तो मुझे KGF की याद आती है, कि जो स्टार कास्ट इसके अंदर है वो लगभग KGF के अंदर भी थी। और लिटरली जो बैकग्राउंड स्कोर था और जो मतलब विजुअल्स मुझे देखने को मिले वो इतने ज्यादा कमाल के थे। और जो कलर ग्रेडिंग थी स्पेशली, वो इतनी हाँ। ज्यादा वो डार्क लग रही थी। और जैसा कि जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता है, जब बहुत कुछ बातें इसके अंदर बताई जाती है कि भाई भगवान बस हाँ। उसी टाइम आते हैं या फिर अब भगवान कब आएंगे, तब उनको वो उनकी माँ समझाती है कि भाई जब मतलब इतना सारा पाप हो जाएगा, जब इंसान मतलब डेविल बन जाएगा, तब भगवान आएंगे। बघीरा की आउटस्टैंडिंग, सच में काफी कमाल। जिस तरह से नैरेटिव सेट करते हैं ना स्टोरी का ट्रेलर में भी, वो काफी ज्यादा कमाल है। और डायलॉग्स काफी अच्छे कि मैं मतलब मेरी रिफ्लेक्शन मिरर में देख के भी नहीं डरता, वो भी काफी कमाल था। और जिस तरह से इस मूवी के अंदर एक्शन देखने को मिलेगा वो आप देखिए, काफी ज्यादा अच्छा। के ऊपर वाले जो एक्शन सीन है ना, वो तो इतने ज्यादा कमाल के लगे। और श्री मुरली लिटरली वो इतने ज्यादा एक तो फिट लग रहे हैं सीरियसली, और जब वो बघीरा वाली जो पूरी कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं तो वो कुछ अलग ही लगता है। वो मास्क भी काफी अलग है सीरियसली। वो क्रिमिनल्स को मार रहे, पुलिस का काम वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई, क्योंकि पुलिस के हिसाब से वो भी एक क्रिमिनल हुए, क्योंकि वो भी एक क्राइम कर रहे हैं। ये स्टोरी पूरी हमें समझ तो आ गई है, लेकिन मूवी के अंदर काफी कुछ देखने को मिलेगा एक्शन में, तो मैं ये चीज बोल सकती हूँ। और एक्चुअली इसका जो बैकग्राउंड स्कोर था BH रजनीश लोकनाथ, आउटस्टैंडिंग मतलब बैकग्राउंड स्कोर।
तो मुझे तो ये ट्रेलर काफी पसंद है। अब इस मूवी का वेट है और हम काफी टाइम से इस मूवी का वेट कर भी रहे थे। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा वो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना, अपना सपोर्ट इस चैनल के लिए बनाए रखना। सो मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।